ऑल इंडिया यूथ स्टूडेंट फेडरेशन का लॉन्ग मार्च आज लुधियाना पहुंचा, जिसका लुधियाना के कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे व फूल मालाओं से स्वागत किया। यात्रा में शामिल मुख्य कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा की प्रतिमा पर फूल माला अर्पण कर उन्हें याद किया। इस लॉन्ग मार्च का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया करवाना और उनका भविष्य सुनिश्चित करना तथा देश में पैदा हो रहे देश विरोधी और समाज विरोधी ताकतों का मुकाबला करना है। ये जो लॉन्ग मार्च है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन वालों 15 जुलाई तो कन्याकुमारी तो शुरू किया गया और ये जिहड़ा लॉन्ग मार्च है वो देश के नौजवानों लिए रुजगार की गरंटी कराने वाली कि देश की पार्लीमेंट में एक रुजगार की गरंटी का कानून बने, जिस कानून का नाम भगत सिंह नैशनल अंपलायमेंट गरंटी एक्ट होवे बनेगा होवे उहदी प्राप्ति लिए ये लॉन्ग मार्च चलिया। साडियां मंगां ये हैं कि नौजवानों को रुजगार की गरंटी दी जाए, इस दे बारे एक कानून बनाया जाए, जो फिरका परस्ती का जहर सरकार वालों सारे देश फैलाया जा रहा है इस पर ठल पाई जाए और जो लोकतांत्रिक जो क्रियावां हैं उन्होंने ये मजबूत करके रखा जाए, जात पात भेदभाव समाप्त किया जाए, इन्हां सब मंगां नूं लैके देश की तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। लुधियाना से जागृति लहर के लिए बलराज खन्ना की रिपोर्ट।